हाँ जी, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव। पता लग रहा है घर पे क्या क्या करके आए हो। साइन 2x का, 2 cos, माइनस बचे कॉ वाले में लगते हैं सिर्फ, बाकी किसी में नहीं लगता। सो दिस इज 2 cos 2x। नेक्स्ट स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपका 1 plus 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब जो है ये आ गया आपका cos 2x इज इक्वल टू -1/2। cos जो है आपका वो कहाँ पे बनता है नेगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो दैट इज पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 120 हो गया। 120 इज cos 2π/3। ये कर लोगे कि ये बताऊं? सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पाई माइनस थीटा लेके चलते हो। यहाँ थीटा, हेयर यू आर हैविंग पाई प्लस थीटा, हेयर यू आर हैविंग 2π-θ, ऐसे ही निकालते हो। अब क्योंकि आपका जो ये है दिस इज नेगेटिव, हम इसको जो है ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा चेक कर लेंगे कि कॉस थीटा जो है वो 1/2 कहाँ पे होगा, विदाउट साइन आप उसको ले लेते हो। तो थीटा 1, कॉस थीटा 1/2, यानी कि थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में किससे निकालना है हमने, पाई माइनस थीटा से। सो दिस विल बी पाई माइनस 60 इज π/3। π/3 लोगे तो दिस इज 2π/3। गॉट इट? तो ये आ गया आपका cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जब cos x इज इक्वल टू cos y होता है तो आप क्या लेके चलते हो, x इज इक्वल टू 2n π plus minus y। अब जब आप इसको यहाँ पे लेके चलोगे cos x इज इक्वल टू cos y, यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2x इज इक्वल टू 2n π plus minus 2π/3। 2 तीनों में से कॉमन आके आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n π plus minus π/3। ठीक है, अब इंटरवल आपको क्या गिवन है, दिस इज गिवन टू बी फ्रॉम 0 to 2π। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, n की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस इंटरवल में वैल्यूज लाए कर रहे हैं दैट वी विल टेक। तो n को 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू +-π/3। -π/3 इसको बिलोंग नहीं करता तो आप क्या लेके चलोगे, π/3। तो एक आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट्स में ऊपर लिख रही हूँ, तो एक एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास +π/3। माइनस रिजेक्ट कर देंगे एज इट डज नॉट बिलोंग टू 0 to 2π, या फिर रिजेक्ट कर दोगे। देन n को 1 पुट करोगे तो x क्या आएगा आपका, π plus minus π/3। एक वैल्यू आ गई आपकी 2π/3, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 4π/3। दोनों बिलोंग कर रही हैं ग्रुप को, उसको 0 to 2π को, इंटरवल को। देन पुट n इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2π plus minus π/3। एक वैल्यू आ गई आपकी 5π/3, एक आ गई आपकी 7π/3। 7π/3 जो है आपका दैट डज नॉट बिलोंग टू 0 to 2π, तो अगेन आप उसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। व्हाट हैपेंड, यहाँ लिखा हुआ है, सो 7π/3 इज आल्सो रिजेक्टेड। सो द क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी आ गई, π/3, देन 2π/3, 4π/3 एंड 5π/3। इसके साथ आपका 0 और 2π भी है, बिकॉज यू आर टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जब आप इसकी निकाल रहे हो तो अकॉर्डिंगली इंटरवल आपको गिवन है, इट मींस यू आर टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, क्लोज इंटरवल क्योंकि हमें गिवन था। तो इसलिए हमने जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे वो साथ में लिख लिए, ये सारे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए।
अब इन पॉइंट्स पे कॉरेस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू निकाल के, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो मिनिमम होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गॉट इट? एफ में अब आपने एक्स की ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है एंड यू आर टू चूज द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट एंड द मिनिमम आउट ऑफ दैट, तो दैट वैल्यूज विल बी योर आंसर. गॉट इट? कर लोगे कंप्लीट? चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब जो मेन क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. इनमें सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता. जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इसमें क्या होगा, हमें एक चीज गिवन होगी जिसको हम एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू दैट आप डेरिवेटिव नहीं लोगे. उसके बाद दूसरी चीज आपको गिवन होगी जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. एक तो गिवन हो गया, उसको आप यूज करोगे जहां पे आपको जो फाइंड आउट करना है उसमें. सेकंड थिंग कि आपको एक फंक्शन होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा. जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें आप गिवन वाली वैल्यू पुट करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो इक्वल टू जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके जिसपे वो वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही होगी क्रिटिकल पॉइंट की. अगर उसने मैक्सिमाइज कहा तो मैक्सिमम वाली वैल्यू उठाओगे, मिनिमाइज कहा तो मिनिमम वाली वैल्यू उठाओगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. तो साथ के साथ आई विल एक्सप्लेन यू द मेथड अगेन. हमें गिवन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24. नाउ दिस इज द गिवन कंडीशन. ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, एक चीज हमें गिवन होगी. अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, वो नंबर्स हमने निकालने हैं. गिवन क्या है, देयर सम इज 24. तो पहले आप गिवन वाला लिख लोगे. गिवन में हमें मोस्टली जो है दो वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर गिवन होता है तो एक वेरिएबल इधर से उठा के दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में पहले आपने उसको लिखना है, फिर जो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें पुट करोगे. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिवन टू नंबर्स हुज सम इज 24. तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई. नंबर्स हम एज्यूम कर लेंगे, एक ही नंबर एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि एक को दूसरे की टर्म्स में लिखना है तो आप उससे निकाल सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन डू इन दैट वे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. पिछला 12 था, आई थिंक आई हैव रिटन 11 विद दैट. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, 13. Let the two numbers be x and y. So given क्या है यहां मुझे, x plus y. Sum of the numbers is 24. अब दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, दोनों में से एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में लिख लेंगे गिवन कंडीशन में से. हमेशा आपने ऐसे करना है, जब भी दो वेरिएबल्स गिवन है एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिख लो. तो यहाँ पे y क्या बन गया मेरा, 24 माइनस एक्स. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24, ये गिवन हो गया, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. प्रोडक्ट जो है जितना आप उसको लार्ज ले सकते हो, यानी कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आपने करना है. यानी कि हमने अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, वी आर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्रोडक्ट इज टू बी मैक्सिमाइज. सो प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई. अब जब मेरे पास जिस चीज को मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जब वो दो वेरिएबल्स की फॉर्म में होती है तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, y को भी x के टर्म्स में लिख लेंगे. अब ये जो आपको मैंने सेकेंड स्टेप बताया था कि गिवन चीज को जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें हम पुट करते हैं. अब ये गिवन था कि y इक्वल टू 24 माइनस x, मैंने गिवन कंडीशन से डिराइव की है, तो ये गिवन वाली वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट करूंगी. दिस इज द सेकेंड स्टेप. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस x. ये आपको क्योंकि अब एमसीक्यूज आ रहे हैं, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि बाद में आप कभी देखो तो इजी रहे आपको. तो प्रोडक्ट आ गया x इंटू 24 माइनस x. अब ये वाली टर्म मेरी सिंगल वेरिएबल में आ गई जिसको मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. अब आगे आपका क्वेश्चन जैसे कर रहे थे आप वो बन गया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन आ गया फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा. यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं. ठीक है,
तो नंबर्स अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके इस तरीके से आपको चूज करने हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए. गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे. वेरिएबल हमारा यहाँ पे एक्स है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब x इंटू 24 माइनस एक्स, दो तरीके हैं, या तो u इंटू v लगा लो या सिंप्लीफाई कर लो. मैं इसको सिंप्लीफाई करके कर रही हूँ. सो क्या आ जाएगा ये 24 माइनस 2x. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा मैक्सिमाइज वाले सम्स में, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज में, पुट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स. पुट दिस इक्वल टू जीरो. तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू 12. एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया मुझे अब मेरे पास. अब मुझे इस पे चेक करना है इफ द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ओवर दिस पॉइंट और नॉट. सो फॉर दैट व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव. तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, दिख रहा है यहाँ पे क्या ऊपर लिख दू, माइनस 2 दैट इज लेस देन 0. ठीक है. Now since d square p upon dx square second derivative is less than 0, therefore x is equal to 12 is a point of maxima. Is a point of maxima means product will be maximum at x is equal to 12. अब उसने मेरे से numbers पूछे हैं, मैंने maximum तो show कर दिया कि product maximum होगा. Now I have to write down the numbers. So the required numbers are 12 था और y is equal to क्या है 24 माइनस x. So जब दोनों numbers equal to 12 होंगे at that moment the product will be maximum. आप इसको check भी कर सकते हो. आपने मान लो x को आपने करना नहीं है, मैं जिस समझाने के लिए कर रही हूँ. आपने एक नंबर या तो ऐसे कॉम्बिनेशन ले सकते हो या फिर इस तरीके से लास्ट आपका क्या बनेगा 12 और 12. अब इनका जब आप नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे तो दिस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. तो ये सारा करने की बजाय हमने इस तरीके से शो कर दिया. गॉट इट? क्लियर? ये तो चलो था, कम था प्रोडक्ट, जो आपके फैक्टर्स यहाँ पे कम बन रहे थे, तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो. बट इन केस अगर यहाँ पे जो है नंबर बहुत बड़ा आ जाता है, सम मान लो आपको 24 से ज्यादा आ जाता है, तो एट दैट टाइम आप अगर इस मेथड से करते हो तो आपका जो है टाइम वो सेव होता है. क्लियर है ये? सेकेंड क्वेश्चन मतलब 14th क्वेश्चन जो है दैट इज जस्ट सिमिलर टू दिस. Find the two numbers, two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 and x y cube is maximum. मैं सिर्फ derivative तक बताऊंगी आपको, बाकी आप सारा खुद करोगे. अब यहाँ पे x plus y equal to हमें क्या given है 60. यहाँ given है x और y, तो let नहीं लिखा मैंने. So, यहां से सेम आ जाएगा आपका 60 माइनस एक्स. अगेन आपको क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैक्सिमाइज नहीं करना, हमें क्या गिवन है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम. तो इट मींस प्रोडक्ट जो है अब मुझे गिवन है एक्स वाई क्यूब. ठीक है. सेम वे में वाई की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे. सो एक्स इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब. अब दो मेथड्स हैं अगेन, या तो आप इसको ब्रैकेट खोल लो a माइनस बी होल क्यूब और इससे मल्टीप्लाई करके देन यू टेक द डेरिवेटिव, और यू यूज द दैट फॉर्म प्रोडक्ट रूल. x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 60 माइनस एक्स इज माइनस 1. देन प्लस का साइन 60 माइनस एक्स होल क्यूब एज इट इज, x का डेरिवेटिव इज 1. गॉट दिस? u as it is derivative of v, 3 power आगे आगे 60 minus x का whole square into जो bracket में था उसका derivative, तो that is minus 1. फिर plus का sign v as it is and into derivative of x is 1. अब यहाँ से 60 minus x whole square जो है वो आप common ले लोगे. calculations बता रही हूँ मैं कैसे easily आप कर सकते हो. 60 minus x whole square आप common ले लो.
समटाइम्स जो है बिना इसको सॉल्व किए सिंपलीफाई किए ब्रैकेट मतलब फॉर्मूला यूज किए आप कॉमन लेके भी कैलकुलेशंस इजी कर सकते हो। सो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे पास 3x एंड अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है बताओ क्या माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन से वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो दिस विल बी -3x तो ये आ गया आपका 60 -x होल स्क्वायर इनटू दिस इज 60 -4x क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे एफ डैश एक्स को तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी इधर 60 -x होल स्क्वायर विल बी 0 ये 0 कब होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 60 तो इधर 60 -x इज इक्वल टू 0 और 60 -4x इज इक्वल टू 0 यहां से आ गया एक्स 60 यहां से आ गया एक्स 15 बट अगर आप एक्स को 60 लेके चलते हो तो वाई तो क्या होगा प्रोडक्ट विल बी 0 तो प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम नहीं होगा तो दिस विल बी रिजेक्ट। क्योंकि ये y इक्वल टू 0 दे रहा है तो दिस इज रिजेक्टेड यानी कि अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट रह गया मेरा x इज इक्वल टू 15 ठीक है। अब x इज इक्वल टू 15 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो अगेन आप चाहे तो u इंटू वी कर लो या सिंप्लीफाई करके करना है आप जैसे मर्जी कर लो u इंटू वी से दैट विल बी मोर इजी या फिर अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहते तो वट यू विल डू क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या आया है 15 यहाँ पे अब आपका जो एफ डैश एक्स वाला मेथड था वो इजी रहता है। कैसे आपका ये एफ डैश एक्स है यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी एक्स इज इक्वल टू 15 का स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट 14.9 एंड 15.1 जब मैं यहाँ पे 14.9 पुट करूंगी तो 60 से छोटा है वो यानी कि वैसे भी ये वैल्यू आपकी बींग स्क्वायर विल बी पॉजिटिव माइनस के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी वो वैल्यू आपकी नेगेटिव। अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे ये होल का क्यूब है तो दिस वैल्यू विल बी बिगर देन दिस और स्मॉलर देन दिस बिगर और स्मॉलर ग्रेटर देन 0 आएगा ये जब आप सॉल्व करोगे दिस विल बी ग्रेटर देन 0 आप यहाँ पुट कर लो अगर वहां कंफ्यूजन लग रही है यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स को 14.9 पुट करेंगे ठीक है होल का स्क्वायर ये वैल्यू आपकी ये टर्म आपकी पॉजिटिव आ गई 60 -4 इनटू 14.9 दैट इज लेस देन 60 15 फोर जा 60 होता है तो 14.9 वाली वैल्यू लेस होगी तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव यानी कि जो आपका एफ डैश एक्स डीपी अपॉन डीएक्स का साइन है दैट इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू 14.9 ऐसे ही एट एक्स इज इक्वल टू 15.1 जब हम लेंगे 60 माइनस ये बीइंग अ स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव अब यहाँ पे 15.1 इनटू 4 इज ग्रेटर देन 60 तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी माइनस इनटू प्लस इज माइनस सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0 इट मींस जो आपका एफ डैश एक्स है दैट इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम तो हमें मैक्सिमम ही निकालना था यहाँ पे तो हमने एक्स इज इक्वल टू 15 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था उसको शो कर दिया दैट दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब उसकी वैल्यू निकालनी है एक्स को 15 पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई एक्स 15 पुट करोगे तो वाई कितना आएगा 45 ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिमिलर है दैट यू विल डू योरसेल्फ दैट इज योर होमवर्क पार्ट 16 आल्सो होमवर्क पार्ट। अब 16 में मुझे जरा वो बताओ कि क्या बनेगा आपका किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आपको गिवन है सम ऑफ हूज क्यूब्स इज मिनिमम बोलो जी बुक्स लेके आया करो बेटा एक तो बिना बुक्स के पता नहीं कैसे आप कर लेते हो। वेरी गुड कल से मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगी टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन योर बुक्स आप भी चेक कर लो शायद मिल जाए बैग में। हाँ जी मैं मेरी शक्ल देखी जा रहा है मेरे मुंह पे लिखा हुआ है
क्या है? मुझे अपना नंबर दो, मैं घर पे कॉल कर दूंगी मम्मा को कि आपका बैग रेडी कर देंगे, ठीक है? नहीं, मैं कह दूंगी, आई कैन डू। कल मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। पेज ले लो किसी से, अगर पेज चाहिए तो फिर खोल ले उसको, लिख ले कुछ। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सुना ही नहीं है वो आपने। क्या क्यूब? किसका क्यूब? क्यूब यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है कि नंबर का क्यूब है? ऐसे कोई फायदा नहीं है बच्चे आने का, अगर आप ऐसे करोगे तो। चलिए सुनो अब ध्यान से। हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, तो पी क्या बनेगा ये वाला? यस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आपने क्या करना है? मिनिमाइज करना है। और गिवन क्या है? सम इज 16, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। तो दिस इज अगेन योर होमवर्क पार्ट। सेम वे में आपने करना है, वाई को आप रिप्लेस कर दोगे 16 माइनस एक्स से, और इसी तरीके से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन क्रिटिकल पॉइंट्स, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी चेंजिंग फ्रॉम इधर फ्रॉम मैक्सिमम, हाँ ग्रेटर देन जीरो टू, नहीं लेस देन जीरो टू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें शो करना है, और डबल डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन जीरो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। हमें इसमें क्या गिवन है? एक स्क्वायर जो है बॉक्स गिवन है, पीस गिवन है टिन का, जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। इसके हर कॉर्नर से जो है एक स्क्वायर कट किया जाता है, जिसकी अगेन हमें डायमेंशन गिवन है कि 9, दैट वी आर टू फाइंड आउट। हमें ये चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट आउट करना है, सो दैट कि जो रिमेनिंग हमारा होगा कटआउट के बाद जो बचेगा, उसका क्या चीज मैक्सिमम या मिनिमम होनी चाहिए? पढ़ो। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है? वॉल्यूम को हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। गिवन क्या है मुझे यहाँ पे? क्या गिवन है? बुक नहीं है? क्या गिवन है अभिषेक? क्वेश्चन नंबर पता है हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? बहुत एब्सेंट माइंडेड हो आप लोग। स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ 18 साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इसको कट करके हमने एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं होना चाहिए। ध्रुव सेट स्ट्रेट बच्चे। बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, हमने क्या करना है? स्क्वायर बॉक्स हमें गिवन है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। इसको जो है हमने चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर अगेन यहां से कट किया, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उससे हमने एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। यानी कि जो मेरे पास अब बचा यहाँ पे वो ये बचा। अब ये वाले यहां से अगर मैं फोल्ड्स दे दूं, इसको इधर से ऊपर की तरफ फोल्ड करूं, इसको इधर से ऊपर की तरफ, इसको इधर से ऊपर की तरफ, इसको इधर से ऊपर की तरफ, एक बॉक्स बन जाएगा जो ऊपर से क्या होगा? ओपन होगा। क्यूबॉइड शेप्ड आपका बॉक्स बन जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम पॉसिबल कैसे निकलेगी? डिपेंडिंग ऑन दीज लेंथ, ठीक है? कि ये कितनी हम करें लें, और ये वाली जो है हम कितना कट आउट करें, ताकि ये जो रिमेनिंग फोल्ड्स देके हमारे पास बॉक्स बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। अब हमें नहीं पता कि ये स्क्वायर उन्होंने कितने का कट किया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स। तो हर एक जो आपका कॉर्नर से स्क्वायर निकाला गया है दैट इज ऑफ द सेम डायमेंशन, तो हर एक पे क्या आ जाएगा? ये वाला पोर्शन कट आउट होके क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अब जो हमारे पास रिमेनिंग बचा उसमें क्या क्या है हमारे पास? एक तो ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ होगी, इसको जब मैं ऊपर फोल्ड कर दूंगी ये क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम द हाइट,
और जो ये चीज है वो क्या बनेगा, बाहर की तरफ इसको हम निकाल लेंगे, एंड दिस विल बिकम द ब्रेड्थ। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? कैसे बन रहे, ये क्या बनेगी लेंथ, दिस विल बिकम द हाइट, और ये क्या बनेगा ब्रेड्थ, जब ये वाले पोर्शंस को आप फोल्ड करो। अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ गई, तो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। शेप ऑफ द बॉक्स इज क्यूबॉइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। तो आपके पास एल आ जाएगा, बी आ जाएगा, एच आ जाएगा, एंड यू कैन कैलकुलेट। सो यहाँ पे हम ले लेंगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर कट आउट, एटीन सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड फॉर्म क्या क्या आएंगी बताओ। एक तो ये लेंथ बन गई, क्या है ये, 18 माइनस 2x। आपके पास ये डिलीट कर दिया आपने, तो x इधर से डिलीट हुआ, x इधर से डिलीट हुआ, यानी कि ये रिमेनिंग रह गया आपका 18 माइनस 2x। सेम वे में ये भी आपके पास 18 माइनस 2x रह गया, तो ब्रेथ भी कितनी आ गई आपकी, 18 माइनस 2x। हाइट कितनी आएगी, ये वाली, ये क्या था आपका x, तो दिस इज योर हाइट ऑफ द ओपन बॉक्स। तो 18 माइनस 2x लेंथ आ गई, 18 माइनस 2x ही ब्रेड आई, और हाइट आई x। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, स्क्वायर लिख दूं दोनों को इकट्ठा, इंटू हाइट। चलो अब नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो 18 में से ये वाला एक्स डिलीट हुआ और ये वाला एक्स डिलीट हुआ, ये पोर्शन डिलीटेड, ये क्या रह गया, 18 में से एक्स इधर वाला और एक्स इधर वाला माइनस किया, 18 माइनस 2x। सेम वे में ये आपकी क्या बन रही है, जब आप इसको ऊपर फ्लैप करोगे ये ब्रेथ बनेगी, ये लेंथ बनेगी। गॉट इट? के पेज पे करके दिखाऊंगी मैं, वन पेज रफ देना, रफ यूज्ड जो नहीं चाहिए, ब्लैंक नहीं वेस्ट करो, वही दे दो। ये स्क्वायर बॉक्स गिवन है, यहां से साइड से हमने ये वन स्क्वायर कट किया, ये सेकंड। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, देन थर्ड एंड फोर्थ, चार। ये शेप आ गई, अब यहां से ये फोल्ड दिया हमने, यहां से ये फोल्ड दिया, ये फोल्ड दिया और ये फोल्ड दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, दिस इज एन ओपन बॉक्स। गॉट इट नाउ? अब ये वाली जो लेंथ थी, देखो एक्स इधर से गई और एक्स इधर से गई, ये पूरी 18 थी, 18 में से ये रह गया, यानी कि 18 में से मैंने x ये वाला माइनस किया और x ये वाला माइनस किया, क्या रह गया, 18 माइनस 2x। अब ये ब्रेड्थ बन रही है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ बन रही है, ये भी ऐसी 18 थी, 18 में से x इधर से गई, x इधर से गई, क्या रह गई, 18 माइनस 2x रह गई, और x मैंने ये वाला पोर्शन कट किया हुआ है, ये वाला, ये क्या बन गई, जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये हाइट बन गई। ठीक है, क्लियर है? अब तो लेंथ और ब्रेथ आ गई 18 माइनस 2x, हाइट कितनी आ गई x। चलो वॉल्यूम आ गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
अब आगे क्या करना है, सेम वे में डीवी बाई डी एक्स निकालना है, पुट दैट इक्वल टू जीरो, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखोगे, जब आप अपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लोगे तो एक पॉइंट आपका क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू नाइन। एक्स इज इक्वल टू नाइन वाले को आपने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, बिकॉज इफ यू टेक दिस एक्स इज इक्वल टू नाइन, तो नाइन इधर से स्क्वायर कट आउट किया, नाइन इधर से स्क्वायर कट आउट किया, तो कुछ बचेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू नाइन को रिजेक्ट कर दोगे, बाकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट यू विल टेक एज योर क्रिटिकल पॉइंट। सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे वहां पे जो है, उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट करके देख लेना कि मिनिमा का दे रहा है या मैक्सिमा का दे रहा है, तो जो भी जहां पे भी आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट आ रहा होगा दैट यू विल टेक एज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आ गया आपके पास तो यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन। आपको उन्होंने फाइंड द क्या पूछा है, डायमेंशन पूछी है कि कट आउट वाला पूछा है? What should be the side of the square to be cut off? यानी कि x की वैल्यू जो आएगी आपकी, जिसपे आपका d square p by d square v by dx square maximum आ रहा है, that will be the that length of the this square cut out. कर लोगे complete ये? Now for with this we are having just 2 minutes. हाँ जी? x find out करना है। पहले आप इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, अभी हैं 2 मिनट, चलो कर ही लेते हैं। डेरिवेटिव बताओ फटाफट क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी से बोलो। 2 × 18 − 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ −2x, 18 − 2x इज −2 इंटू ये वाला x एज इट इज। ऊपर लिख दूं यहाँ पे, इसके साथ ये आ गया dv by dx is equal to 2 × 18 − 2x into −2 × x plus, अब 18 − 2x whole square as it is, derivative of x क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, या आप इसको चाहो तो 8x × x − 9 भी लिख सकते हो, उससे बाद में कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। ये आपने यहां से 2 कॉमन लिया, 2 × 4 = 8 माइनस के साथ, देन ये रह क्या गया हमारे पास x − 9। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशंस, मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक है, आई हैव मेड 1 मिस्टेक इन दिस स्टेप, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके रीराइट कर रही हूँ, फाइंड आउट दैट मिस्टेक। चलो जागो जल्दी से, यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने वो बाहर भी ले लिया और यहाँ पे भी चेंज कर दिया, तो ये माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये आ गया, अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, क्या आएगा जीरो पुट करके बोलो, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। एक्स इक्वल टू नाइन को डिलीट कर रिजेक्ट करना मत भूलना, और अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। सो बच्चे, एज द बेल हैज गॉन सो आई एम एंडिंग द मीटिंग, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट।